जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास ये ब्लूटूथ आया हुआ है और आई थिंक इसका मॉडल जो है 8006 या 5 होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये ऑन नहीं हो रहा है, और ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, और दूसरा क्या है दोस्तों, ये चार्जर पिन भी टूटा हुआ है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये बिल्कुल डिस्चार्ज होगा जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो ही पता चलेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका चार्जिंग पिन लगाए देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हाँ ये चार्ज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है तो दोस्तों ऑन हो रहा है क्या नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट पहले ऑन करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो है इसको ओपन कर लिया मैं, और ये देखो दोस्तों इसका ये चार्जिंग पिन जो है टूटा हुआ है ना। तो चलिए दोस्तों हम जो है इसका चार्जिंग पिन जो है लगाते हैं। अगर आपका चार्जिंग पिन टूट जाता है तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू चार्जिंग पिन है, और आप इसके जगह दोस्तों ये भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। बट दोस्तों ये जो है बिल्कुल नया अच्छा पिन है, तो हम इसमें जो है लगा सकते हैं, अब बिल्कुल ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है नया ही था, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए इसको किस तरह से सही से बैठाएं वो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों किस तरह से सही से बैठाएं, तो करना क्या, देखो दोस्तों इसमें तो सोल्डिंग वगैरह तो लगा हुआ है, फिर भी दोस्तों आपको इस जगह जो दोस्तों पेस्ट देके अच्छा से सोल्ड कर देना है, है ना, इस जगह। तो चलिए हम करते हैं। देखो दोस्तों ये जो है सोल्डिंग हो चुका है, तो चलिए अब क्या करना है, इसमें जो दोस्तों आपको सोल्डिंग करना है, तो इसमें सोल्डिंग करना से पहले क्या करना है दोस्तों, इसका जो है तो क्लीन कर दिए हैं, अब क्या है इसको इस जगह से जो है आराम से बैठा देना है। ये देखिए सिर्फ इसको जो अभी बैठा रहे हैं ताकि ये पकड़ ले, क्या करना है तो ये देखो, अब इसके अंदर जो सोल्डिंग है सही से नहीं घुस जाएगा, घुस पाएगा इस साइड से, तो आप जो है इस साइड से भी सोल्डिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम सोल्डिंग करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों थोड़ा हाथ जो है जल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों कि कोई कागज़ का सहारा ले सकते हो इसको दबाने के लिए, ताकि पिन जो है ये नीचे गिरे नहीं। अब देखो दोस्तों अब क्या करना है, ये तो कर दिया आपने, अब बीच में जो पेस्ट किया था दोस्तों चार्जिंग पिन का, उसमें जो है यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर जो है सोल्डिंग आयरन को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये धीरे धीरे जो सोल्डर जो है मेल्ट होकर एक ये किट से चिपक जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा देर सिलाई करते हैं। चलिए ये जो है आई थिंक ये सोल्डिंग जो है सड़ चुका है, और इस साइड से भी जो है सड़ चुका है सोल्डिंग, है ना, सोल्डिंग हो चुका है। आप आराम से करेंगे, और एक बात का और जरूर ध्यान दें दोस्तों, देखो ये इंडिकेटर है, ये LED है, है ना, तो ये LED में जो है टच ना हो, नहीं तो ये LED जो है भी तुरंत ख़राब हो जाएगा, तो ये सब का ध्यान दें। तो देखिए दोस्तों चलिए दोस्तों इस साइड भी जो है लास्ट का जो है इसमें भी सही सोल्डिंग कर देते हैं, ताकि जल्दी टूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो सोल्डिंग कर देते हैं हम सही से, अब देखो सोल्डिंग कर चुके हैं दोस्तों, अब क्या है इसका पिन को सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सोल्डिंग तो कर चुके हैं, है ना, अब क्या करना है थोड़ा क्लीन कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्लीन कर देते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो है चार्जिंग पिन लग चुका है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है दोस्तों, क्योंकि सारा सोल्डिंग जो प्रॉपर में बैठ चुका है ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको चेक करना है कि हाँ ये ठीक हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, अगर ठीक हुआ तो फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जो भी होने देखेंगे आगे। अब चार्जर लगाते हैं और पहले चार्ज कर देते हैं, चार्ज हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये रहा दोस्तों चार्जिंग पिन, चार्जिंग पिन में जो गंदा है इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अब जो है इसको चार्जिंग पिन जो है लगाते हैं किट में, देखिए चार्ज हो रहा है, हाँ चार्ज तो हो रहा है, अब ये चेक करना है कि हाँ ये स्पीकर काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो देखो दोस्तों इसे जो है पावर ऑन होता है, ठीक है, इसे पावर ऑन होता है, तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। वेलकम टू MC म्यूजिक वर्ल्ड, ब्लूटूथ मोड। तो देखो दोस्तों ये जो है चालू हो गया, ठीक है, चलिए मोड को चेंज करके देखते हैं। AUX मोड, FM मोड, ब्लूटूथ मोड। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस तरह का चार्जिंग पिन टूटे तो आप तो कोई भी लगा सकते हो दोस्तों, और अगर वो नहीं है दोस्तों तो ये लगाओ दोस्तों, बिल्कुल चीप रेट में मिलता है और एक नंबर काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।